आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के, उनकी पेशी होने जा रही है। लेकिन उसके ठीक पहले राजघाट के लिए रवाना हो रहे हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके साथ कई नेता भी मौजूद हैं। बस कुछ ही पलों में राजघाट पहुंचने वाले हैं, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है। एक तरफ मनीष सिसोदिया से लेकर मामले में पूछताछ करनी है सीबीआई को, लेकिन उसके ठीक पहले आपको बता दें ताकत का प्रदर्शन यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम राजघाट पर जाकर बापू को नमन करेंगे। एक तरफ इस पूरे मामले में बीजेपी जहां हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दरअसल लोकप्रियता आपकी बीजेपी को रास नहीं आ रही है और इसी वजह से ये सब कुछ स्वांग रचा गया है। इन सब के भीतर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, नारेबाजी चल रही है, जरा सुनते हैं। ये पांच अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीबीआई दफ्तर में कुछ ही पलों में उनकी पेशी होने वाली है। नेताओं का जमावड़ा सुबह से ही लग गया है। संजय सिंह को आप देख रहे हैं, सुबह सुबह पहुंचे। सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसके इशारे तो खुद आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार अपने बयानों के जरिए दिए जा रहा है। आप कार्यकर्ता भी भारी तादाद में घर के बाहर जुटे हुए थे और अब उनके पीछे पीछे, उनके काफिले के पीछे पीछे निकल पड़े हैं राजघाट के लिए। शराब घोटाले मामले में ये पूछताछ होनी है। ये पांच तस्वीरें जिसके जरिए आप दिल्ली की राजनीति किस तरह से गरमाई है इस पूरे मामले में, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ अरविंद ओझा भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लेकिन पंकज, सीधे आपके पास आते हुए, मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी है, उसके पहले वो राजघाट जा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप जरा बताइए क्या है। एक घंटे के बाद पूछताछ होनी है, लेकिन अभी इस ताकत शक्ति प्रदर्शन के जरिए सिसोदिया क्या जाहिर करना चाहते हैं? नीचे से ही लेना है, सीधे जो बत्ती आएगी, सीधे जो बत्ती आएगी। पंकज, अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की, और अब अपने काफिले के साथ यहां पर मनीष सिसोदिया सीधे राजघाट पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर बापू को वो नमन करेंगे। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, 11 बजे दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले शक्ति प्रदर्शन करती हुई आम आदमी पार्टी, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है इसको सियासी बनाने पर सियासी बनाने की रणनीति आम आदमी पार्टी की है। शायद इसी वजह से सुबह से ही जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं वो खुद मनीष सिसोदिया के घर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बकायदा ट्वीट तक कर दिया है, उन्होंने मान लिया है कि कभी कहीं ना कहीं आज मनीष सिसोदिया उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली पुलिस भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चित्रा, ये जरा सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास की आप तस्वीर देख लीजिए, पूरा जो रास्ता है वो खाली करा लिया गया है। दिल्ली पुलिस की भारी मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी मौजूदगी है, और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सीबीआई हेडक्वार्टर तकरीबन 11 बजे उनको पहुंचना है। इसके पहले जब मनीष सिसोदिया पहुंचे थे तो सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वो पहुंच गए थे, जमकर हंगामा यहां पर मचा था। उसके बाद यहां पर देखिए तो पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, और एक नहीं बल्कि चार चार लेयर की बैरिकेटिंग यहां पर की गई है। यानी अगर इस वक्त आपको सीबीआई मुख्यालय पहुंचना हो तो उसके लिए आपको 3 से 4 लेयर की बैरिकेटिंग को पार करना पड़ेगा, और हर बैरिकेटिंग पर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो मौजूद है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना है, तो दूसरी तरफ सीबीआई मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस का शक्ति प्रदर्शन कि कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मजमा न लगा ले। आपको बताऊं, एक्साइज पॉलिसी मामले में सबसे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड की थी, उसके बाद संबंध देकर पूछताछ बुलाया था, उसके बाद फिर कुछ दिन पहले सीबीआई दफ्तर पहुंची थी।